हेलो गाइज वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको मर्मर ऑफ द हार्ट 1971 एक एडल्ट एरोटिक मूवी के बारे में ऑल्सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर द लव एंड सपोर्ट जो आप लोग दे रहे हो हम लोगों को हम लोग की बहुत सारी वीडियोस आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है दिव क्रॉस लाइक टेन थाउजेंड फाइव थाउजेंड फोर थाउजेंड थ्री थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड सिक्सटीन थाउजेंड व्यूज हर वीडियो तो रियली थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट गाइज ऐसे ही दिखाते रहो एंड मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और लाइक like करो हमारी वीडियो को इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम लॉरेन होता है वो एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ता था अगले सीन में वो एक बुक स्टोर जाता है वहाँ से कुछ बुक्स की चोरी कर लेता है चोरी करने के बाद वो जल्दी से घर आ जाता है भाग के एंड हमें ये दिखाया जाता है कि उसकी फैमिली काफ़ी बड़ी थी उसकी मॉम थी उसकी मॉम का नाम क्लेरा था और उसके फादर थे, जिनका नाम चार्ल्स था वो एक गायनोजिस्ट थे और उसके दो बड़े भाई थे जिनका नाम थॉमस और मार्क था अगले सीन में लॉरेन अपनी माँ क्लेरा को किसी और के साथ देखता है कार में जाते हुए और यही खबर देने के लिए वो अपने फादर चार्ल्स के ऑफिस जाता है लेकिन उसके पापा उसी पे चिल्ला देते दे हैं क्योंकि वो काफी बिजी थे फिर हमें ये दिखाया जाता है कि लॉरेन एक बहुत ही ज़्यादा होशियार स्टूडेंट था एंड उसके मार्क्स काफ़ी अच्छे होते थे लेकिन वो अक्सर स्कूल लेट आया करता था जिसकी वजह से उसको स्कूल के फादर बहुत डांटते थे फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लॉरेन एक स्काउट कैंप जाता है वहाँ पे कुछ दिन रहने के बाद उसे फीवर आ जाता है एंड डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद उसे एक महीने का रेस्ट भी बोलते हैं फिर वो घर आ जाता है एंड उसकी माँ क्लेरा उसका बहुत ध्यान रखती है फिर वो लॉरेन का मूड चेंज करने के लिए उसे शहर से दूर लेके जाती हैं फिर वो होटल में चेक इन करते हैं एंड होटल में कोई जगह नहीं थी जिसकी वजह से उन्हें रूम शेयर करना पड़ता है एंड फिर क्लेरा जब बाथटम में नहाती है तो लॉरेन उसे चिपके से देख लेता है फिर क्लेरा देखती है कि लॉरेन उसे चिपके चिपके देख रहा है एंड फिर वो गुस्सा करती है और उसको थप्पड़ मारती है फिर अगले सीन में लॉरेन की मुलाकात दो लड़कियों से होती है जिसमें से एक का नाम हेलेन था और दूसरी का नाम डैफी था रात में कमरे में आने के बाद क्लेरा बहुत रोती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप कर दिया था और फिर लॉरेन इस बात का फ़ायदा उठा कि क्लेरा के साथ इंटीमेट होता है फिर लॉरेन और क्लेरा दोनों को गिल्ट फील होता है लेकिन फिर लॉरेन अपना गिल्ट दूर करने के लिए हेलेन के पास जाता है लेकिन वो उसको रिजेक्ट कर देती है और उसके साथ इंटीमेट होने से मना कर देती है फिर वो अपना टूटा हुआ दिल लेके टैफी के पास जाता है जो उसे एक्सेप्ट कर लेती है और उसके साथ भी वो इंटीमेट होती है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है थैंक यू फॉर वॉचिंग